दोस्तों, क्या आप भी PUBG के लिए स्क्रीन रिकॉर्डर यानी कि PUBG मोबाइल गेमिंग के लिए बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर की तलाश में हैं, जो लैग भी ना करे, बहुत अच्छा काम करे? स्क्रीन रिकॉर्डर काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। इस वीडियो में आपको जो बताने वाला हूं, जो आपको बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर देने वाला हूं, जो आपका जो PUBG है, PUBG जिस पे आप स्क्रीन रिकॉर्डर रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो ईजिली तरीके से कर पाओगे। बहुत ही अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर है, यहाँ पर मैं जो आपको बताऊँगा वो लैग भी नहीं करेगा और 100% आपकी PUBG की जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसे रिकॉर्ड करके देगा। हेलो नमस्ते, मैं विमलेश आपके अपने ही YouTube चैनल ऑफिशियल विमलेश में स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको किस तरीके से उस बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर को आपको डाउनलोड कहां से करना है और आप उसे किस तरीके से यूज़ करोगे। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। वैसे तो PUBG आप खेलते ही होंगे और जानना भी चाहते होंगे कि मैं किस तरीके से PUBG की लाइव स्ट्रीम किस तरीके से कर सकते हैं, या कहें तो आप किस तरीके से उस स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, आपको सीधा जाना है, बहुत ही अच्छी बेस्ट एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में इस तरीके से आ जाओ। जैसे मैं प्ले स्टोर पर क्लिक किया, प्ले स्टोर में आ गया हूँ, या नीचे आपको ऐप्स पर क्लिक करके ऊपर आपको लिख देना AZ स्क्रीन रिकॉर्डर। ठीक है, अब आप कहोगे मुझे पहले से पता है, जिसको पहले से पता अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है वो डाउनलोड कर लेना होगा। ठीक है, जिसे नहीं पता है वो यहाँ से डाउनलोड करना, जिसे पता है उसे भी कर लेना होगा। मैं वहाँ पे और भी फीचर यहाँ पे ऐड करके आपको बताऊँगा किस तरीके से आपको करना होगा। अब यहाँ पे आपको ये इंस्टॉल वाले बटन पे टैप करना है। इंस्टॉल वाले बटन पे जैसे ही आप टैप करोगे, यहाँ पे इस तरीके से, ये देखो, इस तरीके से पेंडिंग आएगी आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे, और ये कुछ ही क्षणों में डाउनलोड भी होने लगेगा। तो चलिए इसे हम डाउनलोड करते हैं, फिर आगे बताते हैं आपको किस तरीके से यूज़ करना है इसे। तो दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं ये फाइनली यहां से डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं AZ स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो रिकॉर्डर लाइव स्ट्रीम। ठीक है, इस तरीके से। तो हम इस तरीके से बैक चलते हैं, बैक चलने का दोस्तों देखते हैं ये कहां है। ठीक है, ये देखो रहा है, इस पर हमने टैप किया। जैसे ही हमने इस पर टैप किया तो इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार का आपके सामने नजर आएगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से कुछ आपको परमिशन मांगेगा, इस तरीके से वो दे देनी होगी। ठीक है, इस तरीके से ये देखो चालू हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको किस तरीके से इसे यूज़ करना है, इसमें क्या क्या सेटिंग आपको करनी है, वो सबसे पहले आपको देख लेनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको ये 3 डॉट पे यहाँ क्लिक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे आपको वाईफाई ट्रांसफर रेट इस तरीके से कुछ मिल जाते हैं, शेयर ऐप इस तरीके से, लैंग्वेज इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे लास्ट में ये देखो स्क्रीन का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ रेजुलेशन आपको सेट करना है। ठीक है, यहाँ पे रेजुलेशन आपको वही सेट करना है जो आपका काइन मास्टर या कहें तो सपोर्ट करता हो, जहाँ पे आप एडिट करना चाहते वो सपोर्ट करता हो। ठीक है, तो जैसा कि हमारे यहाँ पे हम जो भी कान मास्टर एडिटिंग के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमारा 1280 का सपोर्ट करता है, तो हम यही वाला सेलेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, अगर आपको और भी क्वालिटी चाहिए आपका सपोर्ट करता है, तो आप देख सकते 2400 और यहाँ पे 1080 वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बिट रेट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे आप ऑटो ही रखना है इसे आप। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, फ्रेम रेट ऑटो ही रखना है। ठीक है, ये देखो इसे भी ऑटो रखना है, और टाइम इस तरीके से वीडियो की स्पीड आपको डिसेबल ही रखनी है। ठीक है, स्पीड बढ़ाना चाहते हो स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे इतना ही रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉर्ड ऑडियो, तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन आपको यहाँ पे ऑन ही मिलेगा, अगर आपको बंद मिले तो इस तरीके से आपको ऑन करना है। जैसे कि यहाँ पे आप इस तरीके से, ये देखो मैं यहाँ पे ऑन कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक इस तरीके से आप यहाँ इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से, ये देखो पहले से इस तरीके से यहाँ परमिशन मिल गई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब नीचे की तरफ आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑडियो सोर्स आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप माइक्रोफोन यूज़ करते हैं, इंटरनल ऑडियो यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे तो माइक्रोफोन इस तरीके से सेट कर सकते हैं। अब इसकी वीडियो जो होगी वो कहाँ पर ले जानी है, तो उस पर आपको क्लिक करके वो आपको यहाँ पे सेट कर लेनी होगी। ठीक है, उसी तरीके से, तो यहाँ पे सेट आपको उसी हिसाब से कर लेनी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको बताते हैं क्या करना होगा। यहाँ पे फिक्स ग्रीन स्क्रीन, यार अब यदि आप ग्रीन स्क्रीन यूज़ करते हैं तो ये वाला ऑप्शन आपको ऑन कर देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको कंट्रोल ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे आप हाइड द रिकॉर्ड विंडो ड्रॉइंग रिकॉर्डिंग, जो भी इस तरीके से विंडो आती है, यानी कि जो आप जैसे कि हम यहाँ पे घुमा रहे हैं तो इस तरीके से कुछ ब्लर सा आता है, तो इस तरीके से इसे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यूज़ मैजिक बटन, यहाँ पर मैजिक बटन भी कुछ होता है, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पर आपको स्टॉप ऑप्शन है, इस पर नोटिफिकेशन है, तो इस तरीके से आप जैसे
अपने हिसाब से, जैसे स्टॉप ऑन स्क्रीन ऑफ, या आप जो भी शो होती है जैसे कि ये देखो शो हो रही है, इसे आप बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पे बंद भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी ऑप्शन दे रखे हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे और फीचर कोई भी नहीं छेड़ना है, नीचे की तरफ आओगे तो मिलेगा आपको यहाँ पे, अगर आप वीडियो को रिकॉर्डिंग करते समय स्क्रीन शॉट लेना चाहते तो वो ऑप्शन आपको ऑन कर देना है। कैमरा अगर चलाना चाहते हैं कैमरा ऑन कर देना है। ब्रश यूज करना चाहते हैं वो भी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है टैक्स एंड लोगो, यहाँ पे आप अपना टैक्स लोगो वगैरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे शो टैक्स, आप किस तरीके से टैक्स शो करना चाहते हैं ये देखो इस तरीके से, तो इसे आप बदल भी सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ अपना नाम भी डाल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से नाम डाल देता हूँ ऑफिशियल फैमिलीज, ठीक है, इस तरीके से। तो आप यहाँ इस तरीके से इससे इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आप फॉन्ट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, फॉन्ट है ये देखो, बहुत सारी फॉन्ट है आपको यहाँ मिल जाएंगी, फॉन्ट भी यूज़ करते हैं। टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से साइज कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ कम से कम 7 का होना चाहिए ऊपर से, ठीक है। तो जहाँ पे हम करते हैं, जैसे हम आपको दिखा देते हैं बिल्कुल लाइव प्रूफ करके, 7 मैंने किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, मिनिमम 7 से तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शो लोगो, तो लोगो आप भी शो करा सकते हैं, ये देखो लोगो आ गया, ऐसे आप बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इमेज आइकन, ठीक है, इमेज आइकन भी यहाँ पे लगा सकते हैं, साइज भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब दोस्तों करने के बाद आपको बाहर इस तरीके से आपको कर लेना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखो यहाँ पे, इस तरीके से ये देखो आ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों इस स्क्रीन रिकॉर्डर को आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप पबजी खेल रहे हो तो पबजी पे, ठीक है, इस तरीके से क्लिक करोगे, इस तरीके से क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस तरीके से ये देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे लोगो आगे, उस पर टैप करोगे ये स्क्रीन रिकॉर्ड होने लगेगी, ठीक है। यहाँ पे लाइव करना चाहते हो लाइव पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे यूट्यूब पे क्लिक करोगे, और वहाँ पे परमिशन वगैरह वहाँ पे आप सर्च करोगे यूट्यूब पे कि जेड स्क्रीन रिकॉर्डर से किस तरीके से यूट्यूब पे पबजी की लाइव स्ट्रीम करें, आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना होगा आपको। तो मिलता हूं एक नई वीडियो लेके आपके लिए, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।